मैकलिन पार्क नेपियर का मैदान, खूबसूरत है ग्राउंड, आप देख सकते हैं स्टेडियम का व्यू, स्टेडियम है, घर दिखते हैं आपको सामने, फिर आपको यहाँ पे एक नदी दिख जाती है। तो इस वेन्यू के ऊपर 8 तारीख को कल के दिन मैच हुआ था, सेंट्रल स्टेक्स बना विलिंगटन फायरबर्ड्स के बीच में। क्या हुआ था इस क्लैश के अंदर, हुआ कुछ नहीं था। जो टीम पहले बैटिंग करने आती है सेंट्रल स्टेक्स, होम टीम 158 बनाती है, 159 का टारगेट देती है। विलिंगटन फायरबर्ड्स अवे टीम चेस करने आई और 5 बॉल रहते टारगेट चेस कर लिया। बहुत अच्छी पारी थी मोहम्मद अब्बास की और माइकल ब्रेसवेल की। जो मोहम्मद अब्बास थे विलिंगटन फायरबर्ड्स के प्लेयर है, उनके पिताजी बॉलिंग कोच है विलिंगटन फायरबर्ड्स टीम के, तो उनके साथ वो थे और बहुत इमोशनल मोमेंट था उनके लिए, दोनों के लिए। 134 बना, 9 विकेट गवा के ये बनाया था न्यूजीलैंड ने। बांग्लादेश उसको चेस कर गई थी 18.4 ओवर्स के अंदर। 160 बना, टीम यहाँ पर आई और 75 बना दिया, 9 विकेट गवा के 4 ओवर में डीएलएस मंत्र लगा इसके अंदर। मैच टाई हो गया था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था ये। 180 बना, 4 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती 127 पे रुक जाती है। 173 बना, बारिश आती है, मैच छोटा होता है, 16 ओवर के अंदर टीम ने 142 बनाया। तो एक अच्छा वेन्यू है, हमेशा देखा गया यहाँ पर रन्स बनते हैं और देखते हैं स्क्लैश के अंदर क्या होता है। सेंट्रल सिक्स का होम ग्राउंड है, इन्होंने 20 में से 9 मैचेस के अंदर जीत दर्ज करी, 11 मैचेस हारे हैं। ओटागो वुल्व्स यहाँ पे 6 में से 1 मैच जीती है, 5 मैचेस हारी है। बैटिंग फर्स्ट 4 मैचेस जीते गए हैं, चेस करते हुए इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच जीते गए हैं, 1 मैच यहाँ पे टाई हुआ है। तो हल्का सा बैटिंग फर्स्ट की तरफ बायस्ड होता है। लास्ट मैच भी आई थिंक आराम से सेंट्रल सिक्स जीत सकती थी, बट उनका लास्ट के अंदर जो बैटिंग ऑर्डर था पूरा कलेप्स हो गया। और जो लास्ट मैच था इस वेन्यू के ऊपर, उस मैच के अंदर 10 विकेट पेसर का था, 3 विकेट स्पिनर्स का था। प्रति ओवर यहाँ पर आपको 8 के आसपास रन देखने को मिलेंगे हर एक ओवर के अंदर। और विकेट कॉलम क्या कहता है, लास्ट 7 मुकाबलों के अंदर पेसर्स ने 64 विकेट निकाला है। पेसर्स को हल्का सा वेन्यू फेवर करता है, पहली पारी के अंदर 34, दूसरी पारी के अंदर 29। राइट आर्म पेसर 54, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 10 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें तो 25 विकेट निकाला है इस वेन्यू पे, पहली पारी में 10, दूसरी पारी के अंदर 15। मैं साइड होता हूँ अच्छे से दिखेगा। ऑफ स्पिनर्स का 9, लेग स्पिनर्स का 5, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 11 विकेट है। अब आपको लेके चलता हूँ मैं पिचेस की फोटोज की तरफ। ये देखिए आप, इस तरह से पिच दिखती है, बहुत बेहतर ट्रैक होता है। और जो इनकी बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज हुई थी उसके अंदर, बांग्लादेश वर्सेज न्यूजीलैंड की दिसंबर में के महीने में, लास्ट वीक में हुई थी, उस टाइम सॉफ्ट रोलर यूज किया गया था पिच के ऊपर। ये ग्रैंट एलियट ने बताया था, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2015 के अंदर क्या किया था सब जानते हैं, सेमीफाइनल के अंदर एबी डिविलियर्स सब रो रहे थे मोने मोकल। तो वो क्या कह रहे थे पिच के बारे में कि हमने इस सुपर स्मैश कप के अंदर हार्ड रोलर का इस्तेमाल किया है। हार्ड रोलर से क्या होता है, पिच अच्छी बनती है, सॉफ्ट रोलर से पिच के ऊपर हल्का सा वो स्टिकीनेस रह जाती है। तो आप देखें ऐसी पिच यहाँ पर दिखती है, बहुत बेहतर ट्रैक है, स्टेडियम का व्यू इसलिए कहता हूँ मेरे हिसाब से बहुत ही दर्शनीय स्टेडियम है, प्यारा स्टेडियम है, खूबसूरत ग्राउंड। आप देखें ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करो, घंटे बटन दबा दो।